अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बन कबाब। बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चने की दाल 100 ग्राम। इस दाल के भीगी हुई दाल थी, इसको 2 घंटे के लिए भिगो दें। इसमें आपको डालना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दाल के अंदर डालकर इसको उबाल के पीस लेंगे। इसके लिए चाहिए आलू 4 अदद मीडियम साइज और हरी चटनी खट्टी वाली, तेल फ्राइंग के लिए, और इस तरह के बन 4 अदद, प्याज गार्निशिंग के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले चने की दाल को गला लेंगे ये तमाम मसाले डालकर। दाल पीसकर इस शक्ल में आ गई है और आलूओं में हमने 1/2 चाय का चम्मच नमक डाल के मैश कर लिया है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने कबाब बनाना। दाल की इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स बनानी है। इस तरह बॉल बनाकर इसे रख दें और आलूओं की भी बॉल बना लें। आलूओं की भी इस तरह बॉल्स बना लें। अब स्टार्ट करते हैं अपना कबाब बनाना। इस तरह आलू की बोल को इस तरह प्रेस करेंगे और इसमें दाल की बोल को डाल देंगे, फोल्डिंग करेंगे और इसको सिंपल कबाब की तरह बना लेंगे। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। एक और बना के दिखाते हैं हम आपको। ये प्रेस किया, अब इसमें दाल की बोल डाल दी, अब इसको फोल्ड किया हमारे सारे कबाब तैयार हैं। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये हमारी दाल बच चुकी है, इसको हम सैंडविच भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करने रख देंगे। कबाबों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तेल हमारा गरम हो जाए फिर इसमें अब हम कबाब डाल देंगे। एक एक करके सारे कबाब डाल देंगे। गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। साइड से हमारे कबाब गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको टर्न कर देंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरह गोल्डन भी करना है, क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन कबाब। ये रोगनी चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और इसमें हम अपने सारे बन सेक लेंगे इस तरह से। बन की दोनों साइड गोल्डन हो जाए
तो निकाल लेंगे। हमारे बन के दोनों साइड गोल्डन हो चुकी हैं, देखें इस तरह से। अब इसे निकाल लेंगे और इस तरह हम बाकी सारे भी बन इसी तरह सेक लेंगे और डालेंगे। स्टार्ट करते हैं अब हम बन कबाब बनाना। सिके हुए बन को लेंगे और एक कबाब रखेंगे। इस तरह हम एक कबाब रखेंगे और इसके ऊपर हम ग्रीन खट्टी वाली चटनी डालेंगे और इसके ऊपर प्याज डाल देंगे और बन का दूसरा साइड इस पर कवर कर देंगे। लीजिए मज़ेदार बन कबाब तैयार है। इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे, बन कबाब बना लेंगे। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।